हसनपुर रियासत में संपत्ति को लेकर बवाल, पहले पथराव फिर महल पर कब्जा। राजा साहब की गुहार, हमारा महल बचा लो सरकार। अवध की मशहूर रियासत हसनपुर में अब संपत्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। महल पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है, पत्थरबाजी चल रही है। रियासत के वारिस एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। चौतरपा हमलों से मजबूर हुए रियासत के वारिस कुंवर मसूद अली बंधुआ कला थाने से लेकर सुल्तानपुर एसपी दफ्तर तक दौड़ लगा रहे हैं। मैं कुंवर मसूद अली खान इसे हसनपुर राजा हसनपुर से बिलोंग करता हूं। मेरी मुलाकात हुई डीएम साहब से इससे पहले, अभी 2-3 दिन पहले मैं डीएम साहब से मिला था और उसके बाद आज भी मैं कप्तान साहब से मिला हूँ। मेरे साथ बड़े अन्याय हो रहे हैं और मैं हार्ट का मरीज हूँ। मैं बार बार थाने जाता हूँ, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करती। मैं कल एक एप्लीकेशन ले गया, उसको उन्हीं राम प्रकाश सिंह है उन्हीं ने लेने से इनकार किया। किस प्रकार मेरे घर आप थाने पे मेरे घर बंधुआ थाने का मामला है ये, और मैं कल गया तो मेरी एप्लीकेशन लेने से इनकार किया और मेरे घर का ताला तोड़वा दिया और उस पर कब्जा करवा दिया, मेरा सामान लुटवा दे रहे हैं। अब मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं आला अधिकारियों से मिल करके अपनी विनती ही कर सकता हूँ और वहाँ मेरे जान का खतरा बना हुआ है कि मेरी हत्या करा दी जाएगी। इस बात को राम प्रकाश जी ने कहा कि इनकी ज़िंदगी में आप लोग कुछ नहीं पाओगे, इस बात की उन्होंने धमकी भी दी कि ये कौन लोग हैं जो आपके घर को कब्जा किए। मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे जो फैमिली बंटवारा हो चुका है और मेरा प्रॉपर्टी का मामला था, हमारा न्यायालय दीवानी से बंटवारा हो चुका है। वो सारे कागज़ मैंने, सारे पेपर मैंने पहुँचाए हैं थाने पर। थाना अध्यक्ष ने सुना और देखा, मौखिक जांच की और जाकर के वहाँ गांव वालों से पूछा। गांव वालों ने बताया कि प्रथम पक्ष, दूसरा पक्ष जो है मेरा विरोधी पक्ष, उसने सारी संपत्ति अपनी बेच दी है। मेरे घर पर रात बिरात पथराव हो रहा है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके फोटोज मेरे पास मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि मेरा राज नहीं है, लोकतंत्र है। मैं एक प्रजा के हैसियत से खड़ा होता हूं, हर जगह जाता हूं और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस खास तौर से मुझे प्रताड़ित कर रही है, बंधुआ की पुलिस मेरी कोई नहीं सुन रही और मेरे घर पर आज सुबह ताला तोड़वा दिया, औरतों को घुसवा दिया। औरतें आई हैं वहाँ से, लखनऊ से आई हैं और हरदोई से आई हैं औरतें, बाहर की औरतें, क्योंकि औरतों के साथ हमारे बच्चे, कोई भी CCTV कैमरे में फोटोज में मेरा एक बेटा भी नहीं आया है। सारी औरतें, 5-5, 6-6 औरतें, क्योंकि अगर मेरे बच्चे जाते हैं तो उनके ऊपर कपड़ा फाड़ करके और जिनौनी लगा करके और कर देंगी। लिहाजा मेरे बच्चे सिर्फ अपने बचत में, कोई मेरा बच्चा नहीं गया, कोई मेरे घर की औरतें नहीं गई और इनके घर की औरतें ये लोग इस तरीके से हरकतें हमारे साथ कर रहे हैं। महल पर मालिकाना हक के कागज पर कागज दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस जाँच करती रहती है। और कुंवर मसूद अली की चचेरी बहन तिलक जहां महल का ताला तोड़ कब्जा कर लेती है, ऐसे में अब कुंवर मसूद अली ने योगी सरकार से महल बचाने की गुहार लगा दी है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह कब्जे से पहले कुंवर मसूद अली की चचेरी बहन ने रविवार की रात पथराव किया था, जिसके बाद कुंवर मसूद अली ने खुलासा किया था कि दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना तिलक जहां का पेशा है। लखनऊ में कई ऐसे मामले हैं जिसमें तिलक जहां लोगों पर गंदा इल्जाम लगाकर जमीनें कब्जा की है और कहती है गुंडों को घुसवा के घर से तुमको निकलवा देंगे, कभी घर का दरवाजा तोड़ना, कभी ताला तोड़ने की धमकी देती है, थाने पर सबके सामने रहती है कि मैं ताला तोड़ दूंगी, इस तरीके की हरकतें करती है, सरकश औरत है। पर मेरे ही परिवार की एक महिला तिलक जहां लखनऊ में जो 662 में रहती है राजाजीपुरम में, और इसके ऊपर कई केस फ्रॉड के चल रहे हैं। इसकी आदत सी बन गई है दूसरों की संपत्ति को बेचना और दूसरों के से पैसा ऐंठना और फरार हो लेना। इस तरीके के कई मामले लखनऊ में इसके ऊपर चल रहे हैं। जिस मकान में रह रही है ये भी किसी दूसरे का मकान है जो दूसरे के नाम अलाट है आवास विकास से, उसको ये जबरन कब्जा किए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ भी इसने मेरे ऊपर जब किया तो मैंने 156-3 किया है। 156-3 करने के बाद जब इसको ये पता चला, नोटिस गई, तो ये ज़्यादा तरह के गुंडों को लेकर के आके मेरी धमकी देती है, जान से मारने की धमकी देती है और कहती है गुंडों को घुसवा के घर से तुमको निकलवा देंगे, कभी घर का दरवाज़ा तोड़ना, कभी ताला तोड़ने की धमकी देती है, थाने पर सबके सामने रहती है कि मैं ताला तोड़ दूंगी, इस तरीके की हरकतें करती है, सरकश औरत है। फिलहाल हसनपुर रियासत में बवाल मचा है। पीड़ित रियासत के वारिस का आरोप है कि महल पर कब्जा बरकरार रखने के लिए विपक्षी तिलक जहां कुछ भी कर सकती है, रेप के मामले में फंसा सकती है, हत्या भी करा सकती है। अब देखना होगा कि सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन मामले में क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।